आज अपने 3 दिवसीय दौरे पर फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद भारत आएंगे। ओलांद इस बार गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे। ओलांद अपने भारत दौरे की शुरुआत चंडीगढ़ से करेंगे। ओलांद के स्वागत के लिए खुद पीएम मोदी चंडीगढ़ आ रहे हैं। चंडीगढ़ में राष्ट्रपति ओलांद को पीएम मोदी रॉक गार्डन की सैर करवाएंगे। फ्रेंच आर्किटेक्ट ली काबूजे की कारीगरी से भी ओलांद रूबरू होंगे। पीएम मोदी के साथ इंडो फ्रेंच बिजनेस समिट में भी ओलांद शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति ओलांद की अगवानी को तैयार है सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। वीवीआईपी के आगमन की सभी तैयारियां पूरी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। फ्रांस की सुरक्षा एजेंसियों ने भी संभाला मोर्चा। पठानकोट आतंकी हमले को लेकर एनआईए ने पूर्व एसपी सलविंदर सिंह को क्लीन चिट नहीं दी है। सूत्रों के मुताबिक जांच अभी भी जारी है। एनआईए सलविंदर के अमृतसर के घर में भी रेड कर चुकी है। लुधियाना के झोलेवाल चौक के पास आर्मी कैंप में 2 संदिग्धों ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन संदिग्धों की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। पुलिस दोनों की तलाश में जुटी हुई है। पठानकोट आतंकी हमले के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने गुरदासपुर के कई हिस्सों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। खासतौर से बॉर्डर रेंज में चौकसी बढ़ा दी गई है। बीएसएफ, सीआरपीएफ और स्वॉट के जवान भी सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। घग्गर से पठानकोट आ रही ऑल्टो कार के मृतक ड्राइवर की तस्वीरें जारी हो गई है। ड्राइवर की 20 तारीख को लाश मिली थी। हालांकि कार का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। तीनों अज्ञात युवकों का भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। उधर फतेहगढ़ साहिब में भी पुलिस चौकस नजर आ रही है। गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए और आतंकी हमले की आशंका के बीच पुलिस ने वाहनों की तलाशी के लिए विशेष चेकिंग अभियान चला लिया है। भटिंडा में रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए रेलवे स्टेशन पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान यात्रियों के सामान की तलाशी ली जा रही है। जम्मू कश्मीर के सुपोर में जवानों ने आतंकी बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस और सुरक्षा बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन में हरकत उल मुजाहिदीन के 5 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। कपूरथला पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार आरोपी रवि को 2 दिन के रिमांड पर ले लिया है। आरोपी रवि के मुताबिक वो सिर्फ युवकों को मलेशिया भेजने का काम किया करता था। उससे आगे कोई और उन्हें अमेरिका भेजता था। बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी मामले को लेकर बरगाड़ी निवासी सुखपाल सिंह परिवार समेत मोहाली पहुंच गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस उनसे जबरन श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का आरोप कबूल करने का दबाव बना रही है। अबोहर भीम हत्याकांड मामले में सरेंडर करने वाले मुख्य आरोपी शिवलाल डोडा को जिला अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने डोडा को 28 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इस मामले में 25वें आरोपी धनराज धन्ना ने भी सरेंडर कर दिया। चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती मुख्यमंत्री बादल के स्वास्थ्य सुधार दर्ज किया गया है। उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने भी पीजीआई पहुंचकर सीएम का हालचाल जाना है। नवाशहर में संगत दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री की तबीयत बिगड़ गई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 5 दिवसीय विदेश दौरे से लौट आए हैं। उन्होंने चीन और जापान दौरे को विदेशी निवेश के लिहाज से बेहद सफल करार दिया। हरियाणा में तीसरे और आखिरी दौर के पंचायत चुनाव के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 17 जिलों के 36 विकास खंडों में मतदान डाले जा रहे हैं। हरियाणा में सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतों को 210 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने खुशी जाहिर की है कि पहली बार देश के इतिहास में पढ़ी लिखी पंचायतें बनी हैं। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्र रोहित बेमुला की खुदकुशी मामले को लेकर चंडीगढ़ के सेक्टर 17 प्लाजा में भी प्रदर्शन किया गया। कई संस्थाओं ने कैंडल मार्च निकालकर सिग्नेचर कैंपेन चलाया। शिमला में पीले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के ठेकेदार के घर पर दबिश दी है। ठेकेदार अभी तक फरार है। वहीं सीएम ने एसआईटी को जांच तेज करने के आदेश दे दिए हैं। हिमाचल के मंडी के दवाड़ा में फिर से पहाड़ दड़का है।
पिछले साल 7 दिसंबर को भी लैंडस्लाइड के बाद एनएच 21 बंद हुआ था। रेवाड़ी के बावल इलाके में टीकला गांव से पिछले 300 सालों से ना तो कोई हुक्का यहां पर पी रहा है और ना ही कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है। 300 साल पहले गांव में रहने वाले बाबा भगवान दास ने गांव वालों को धूम्रपान नहीं करने की शपथ दिलाई थी और उसके बाद से गांव में कोई भी जो है हुक्का पानी नहीं पीता है। यमुनानगर के गांव बुबारी में महज एक शिक्षक के सहारे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम चल रहा है। सरकार की तरफ से यहां एक स्कूल बिल्डिंग तक का बंदोबस्त नहीं किया गया है, बच्चे गलियों में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर भारत के राज्यों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर समेत कई प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि वो रैन बसेरों के बारे में कोर्ट को बताए। हरियाणा सरकार ने भी कोर्ट को हलफनामे देकर ये बताया है कि नाइट शेल्टर में बेहतर सुविधा दी जा रही है, लेकिन रोहतक में नाइट शेल्टरों के हालात खस्ता नजर आ रहे हैं। उत्तर भारत में ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली में धूप की वजह से लोगों को कुछ राहत मिल रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर, पंजाब के कई जो इलाके हैं वो सफेद चादर में, धुंध की सफेद चादर में लिपट गए हैं। शिमला के ऐतिहासिक स्केटिंग रिंग में चल रही स्केटिंग इन दिनों यहां आने वाले पर्यटकों का ध्यान आकर्षित कर रही है। इस साल पिछले 3 महीने में करीब 250 सदस्यों ने यहां स्केटिंग के लिए रजिस्टर करवाया है, जिनमें युवा और बच्चे दोनों शामिल हैं।